मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। भारतीय चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत हरियाणा और महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी और वहीं इसके परिणाम 24 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले सुप्रिया एक अंग्रेजी टीवी चैनल में वरिष्ठ संपादक के पद पर कार्यरत थी। आपको बता दें कि उन्हें पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की महराजगंज सीट से टिकट दिया था। तबादले से नाराज चल रही मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस विजय कमलेश ताहिलर मानी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब उनकी जगह मद्रास हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज विनीत कोठरी को यहां का नया कार्यकारी चीफ जस्टिस बनाया गया है। भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीयों को अब अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए 180 दिन का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि अब अनिवासी भारतीय तुरंत प्रभाव से आधार कार्ड हासिल कर सकेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर रवाना होने से पहले इस संबंध में केंद्र सरकार ने घोषणा की है। मोदी की सरकार ने राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बढ़ावा देने के लिए पद्म पुरस्कारों की तरह सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि यह पुरस्कार इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाएगा। शारदा पोंजी स्कीम घोटाले में सीबीआई इस साल नवंबर में अंतिम चार्जशीट दाखिल कर सकती है। वहीं दावा किया जा रहा है कि चार्जशीट में राज्य के कई सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के नाम हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में शिवकुमार की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया था। उत्तराखंड सरकार की ओर से वाहन चालकों को नए मोटर व्हीकल एक्ट की बढ़ी दरों से राहत देने की घोषणा हो चुकी है और अब परिवहन विभाग राज्य सरकार द्वारा घटाई गई ट्रैफिक चालान की नई दरों को लागू करने के लिए तैयारी कर रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि प्रदेश में इन दरों को सोमवार यानी कि 23 सितंबर से लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही एक स्थायी नियमित संवैधानिक पीठ की नियुक्ति की जाएगी, जहां यह पीठ संवैधानिक मामलों से जुड़े सवाल और कानून की व्याख्या से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेगी। वहीं बताया जा रहा है कि देश के 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। इसरो प्रमुख के शिवन ने शनिवार को बताया कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अच्छी तरह से काम कर रहा है। उन्होंने परोक्ष रूप से यह भी साफ कर दिया है कि अब लैंडर विक्रम से उम्मीदें खत्म हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम लैंडर विक्रम के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं और हमारी अगली प्राथमिकता गगनयान मिशन है। SGPC द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व ऐतिहासिक कस्बे सुल्तानपुर लोधी में 12 नवंबर को आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने SGPC के नियोते को स्वीकार कर लिया है। गणतंत्र दिवस 2022 की परेड नए सिरे से तैयार की जा रही है, जो कि राजपथ पर हो सकती है। दरअसल वर्तमान में गणतंत्र दिवस की परेड राष्ट्रपति भवन से होते हुए विजय चौक के रास्ते इंडिया गेट तक जाती है। इस कार्य से जुड़े अधिकारियों ने जानकारी दी है कि केंद्र ने नवंबर 2021 तक राजपथ के पुनरुद्धार को पूरा करने की योजना बनाई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का दौर आज भी जारी है। दरअसल आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 24 से 31 पैसे का इजाफा हुआ है, जिससे दिल्ली में आज एक लीटर पेट्रोल की कीमत 73.35 रुपए हो गई है। वहीं आज डीजल की कीमतों में 24 से 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यहां प्रति लीटर 66.53 रुपए का हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के सभी राज्यों को अपने यहाँ कम से कम एक एक केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान कॉलेज खोलना होगा। आपको बता दें कि उन्होंने उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और उच्च अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली सरकार के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें उन कक्षाओं में दो बार फेल होने वाले छात्रों को स्कूल से निकालने और दोबारा प्रवेश न देने का आदेश था। आपको बता दें कि इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर मामले में अगली सुनवाई के दौरान दाखिल करने का भी आदेश दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा व झारखंड प्रभारी ओपी माथुर 26 सितंबर को हाजरीबाग में रहेंगे। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने बताया कि कार्यकारी अध्यक्ष उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी जिला के संगठनात्मक व बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म निर्माता बोनी कपूर को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एक FIR को रद्द करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि जयपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग कराने के नाम पर 2.5 करोड़ की ठगी के मामले में बोनी कपूर के खिलाफ जयपुर के प्रवीण सेठी ने प्रताप नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। NRC के मुद्दे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर लौटी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा कि बंगाल में NRC लागू नहीं किया जाएगा। मीडिया से मुखातिब हुई ममता ने कहा, कौन क्या कह रहा है इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक सभी सुरक्षित रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर कहा कि राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ी है मगर सपा की साइकिल वहीं खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में विकास की रफ्तार बढ़ गई है, उनकी साइकिल वहीं खड़ी हो गई है। प्रदेश में निवेश आ रहा है, सबको बिजली मिल रही है, सुरक्षा का माहौल है। गौरतलब है कि 19 सितंबर यानी गुरुवार को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के 2.5 साल पूरे कर लिए हैं। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।